हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आई एम अंकिता, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। लास्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सब बच्चों को वो समझ आ गया है। स्टिल अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, विच इज़ कंडीशनल सेंटेंसेज। ये भी आपने बचपन में क्लासेज में, मोस्ट प्रोबेबली आपकी 11th क्लास में जो है ये टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंसेज का, इफ वाले सेंटेंसेज का। कंडीशनल सेंटेंसेज सबसे पहले तो होते क्या हैं, जिनमें कोई कंडीशन रखी गई होती है। कंडीशन से हमारा क्या मतलब है, व्हाट इफ, जिन सेंटेंसेस में हमारा इफ यूज होता है, अगर ऐसा होता तो, या अगर ऐसा होता, या अगर ऐसा हुआ होता, ठीक है। तो जो ये वाले सेंटेंसेस हैं हमारे, वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब हमारे पास चार कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, चार टाइप के। आपको क्या करना है, आपको उनका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है और उनके बेसिस पे एग्जांपल्स देखनी है। तो जब भी आपको एग्जाम में जब आएगा कोई क्वेश्चन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, ये किस कंडीशनल से बिलोंग कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग जो है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो है वो आप करेक्ट करोगे। तो पहले देखते हैं हमारा जीरो कंडीशनल, व्हाट डज अवर, सबसे पहले स्क्रीनशॉट इट एंड देन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट कर लिया, आप अपने नोट्स बना रहे हो, उनको प्रिजर्व और कंजर्व कर रहे हो। अब देखते हैं हमारा जीरो कंडीशनल। हमारा जीरो कंडीशनल कहाँ यूज होता है, जहाँ पे इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिजल्ट विल ऑलवेज हैपन। जब हमें पता हो कि रिजल्ट हमेशा होगा, रिजल्ट हमेशा आएगा ही आएगा, वहाँ पे हम अपना जीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं। जीरो कंडीशनल कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें अपने आने वाले रिजल्ट के बारे में डेफिनेटली पता हो। अब उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट सेंटेंस एंड देन इन द सेकंड सेंटेंस वी विल गेट प्रेजेंट सिंपल अगेन। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ पीपल डाई इफ दे डोंट ईट। अगर लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, क्या ये रिजल्ट डेफिनेट है? जी हाँ, डेफिनेट है। इस सेंटेंस को आप अगर रीअरेंज करो, इफ पीपल डोंट ईट दे डाई, ठीक है। अब तो आपको पता चल रहा है, अगर ये चीज हुई तो दिस विल बी द रिजल्ट। यहाँ पे मेरा सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ, बताया था मैंने ऑक्सिलरी वर्ब जब हमने पढ़े थे क्या थे, वो डू, बी और हैव। डू डज कब यूज होते हैं हमारे प्रेजेंट में, डेड यूज होता है हमारा पास्ट में, और डन एज पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है हमारा हर परफेक्ट सेंटेंस में। तो अगर लोग खाते नहीं हैं तो वो मर जाते हैं। डू का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, डू नॉट और डोंट। तो अगर लोग खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, तो यहाँ पे भी मेरा प्रेजेंट सिंपल यूज होता है और यहाँ पे भी मेरा प्रेजेंट सिंपल। अगेन यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल था, एंड व्हेन थर्ड पर्सन प्लूरल यूज होता है तो हमारे वर्ब जो यूज होता है वो भी प्लूरल यूज होता है। डाई जो है, अगर यहाँ पे ही या शी होता, यहाँ पे क्या आता, डाइज। इफ रमा डजंट ईट शी डाइज, ओके। बट नहीं, अब मैं फ्यूचर रिजल्ट की बात कर रही हूँ, मैंने पीपल के बारे में बात करी है, पीपल मतलब बंच ऑफ पीपल, यहाँ जनरली लोगों की बात कर रही हूँ, तो दे आएगा सेकेंड सेंटेंस में जब मैं प्रोनाउन लगाऊंगी, एंड व्हेन दे इज यूज द वर्ब विल बी प्लूरल। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, इफ वॉटर If water reaches 100 degree, it boils. अब देखो, water अगर 100 degree पहुंच जाता है तो वो boil हो जाता है, this is a fact, we all know that. अब water के साथ क्या use किया हमने, water as a third person singular use होता है, तो मैंने यहाँ पे reaches लगाया, which is present simple, which is first form of verb plus s or es, मैंने आपको बताया reach के साथ es लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे es लगा दिया। Then in second sentence, what did I used first form of verb plus s or es, क्योंकि यहाँ पे जो था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था। तो हमारा जीरो कंडीशनल की क्या कंडीशन है, जब किसी का रिजल्ट के बारे में हमको पहले से पता हो तो हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर में, उसके फर्स्ट सेंटेंस में इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट होता है और सेकंड सेंटेंस में भी हमारा सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे पीपल, इफ पीपल डोंट ईट दे डाई, पूरे सेंटेंस में दोनों बार हमने क्या यूज किया, हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया। अगर आपको टेंसेस को लर्न करने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज पहले जाकर अपना टेंसेस वाला लेक्चर जो है उसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट कंडीशनल देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशनल क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल मेरा क्या बोलता है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच माइट हैपन इन द फ्यूचर।
जो शायद फ्यूचर में हो, जिसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं है। जीरो कंडीशनल में हम क्या ले रहे थे, जिनकी हमको पूरी श्योरिटी है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट सेंटेंस में, एंड देन सेकेंड सेंटेंस में विल प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब वही हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट विल बी यूज्ड। ठीक है, जिन चीज़ों के बारे में हमको अभी पता नहीं है डेफिनाइट रिजल्ट, जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं, उनकी बात हम जब करते हैं तो हम अपना फर्स्ट कंडीशनल यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू द पार्टी, इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू द पार्टी। ओके, अगर बारिश हुई, अगर बारिश होती है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि बारिश होती है या नहीं होती है, बट अगर हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमने क्या यूज करना है, इफ ये आ गया मेरा सब्जेक्ट, ये आ गया मेरा वर्ब, वर्ब प्लस एस और यस, जो कि मेरा सिंपल प्रेजेंट में मैं यूज करती हूँ। फिर आया मेरा सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया, फिर शुरू होता है मेरा सेकेंड सेंटेंस। तो आई वोंट का मतलब क्या है, विल नॉट, विल नॉट है मेरे वोंट का मतलब। विल नॉट को शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ वोंट, नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट गो टू द पार्टी, गो हो गया मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल जो है मैंने अपने स्ट्रक्चर में पढ़ा, मैं यूज करती हूँ। तो जब फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जब मेरे को क्लैरिफाई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि अभी बारिश होगी या नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, ये मुझे पता है। तो ऐसे केसेस में मेरा क्या, कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, और सेकंड सेंटेंस में विल प्लस इन्फिनिटिव। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इफ आई कंप्लीट माय वर्क आई विल गो टू द थिएटर टुनाइट, अगर मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं थिएटर में जाऊँगी। अगेन आई एम नॉट श्योर इफ आई कंप्लीट माई वर्क और नॉट, इन दोज केसेज इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस जो कि मेरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे मैं विल यूज़ करूँगी, प्लस इन्फिनिटिव विच इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ माई वर्ब। आई होप आपको फर्स्ट कंडीशनल भी समझ आ गया। जीरो कंडीशनल में क्या है, जीरो कंडीशनल में जिनके रिजल्ट के बारे में मुझे डेफिनेटली पता है वो वाले सेंटेंसेज आते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में जिनके कोई होप्स आशा है कि ऐसा हो जाएगा बट आई एम नॉट डेफिनेट अबाउट इट, वहाँ पे हमारा विल यूज इन द सीन होता है, और प्रेजेंट सिंपल जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में यूज होता है। अब देखते हैं हमारा सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल मुझे क्या बोलता है, इट इज यूज्ड टू टॉक टू द थिंग्स, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। ओके, कौन से सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ जो शायद ट्रू नहीं होंगी। ओके, जो शायद फ्यूचर में ट्रू नहीं होंगी। सेकेंड में हमने देखा जिसकी पॉसिबिलिटी है, थर्ड में हम देख रहे हैं जो शायद ट्रू होंगी ही नहीं। अब पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इफ अगेन देन, आई एम यूजिंग पास्ट सिंपल। टेंसेज में हमने पढ़ा है पास्ट सिंपल कहाँ यूज होता है, अपने पास्ट के सेंटेंसेज में। पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। यह आ गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस, फिर उसके बाद यूज होता है वुड, फिर उसके बाद यूज होता है इन्फिनिटिव। समझ रहे हो, यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे आके पास्ट हो गया, उन सब्जेक्ट उन सेंटेंसेस के लिए जो शायद से ट्रू ना हो। ओके, जो शायद से ट्रू ना हो, लेट अस लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या बोलती है मुझे, इफ आई वन द लॉटरी, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बंगलो, आई वुड बाय अ बंगलो। ठीक है, अगर मुझे, मैं लॉटरी जीत जाती, अब आपको पता है लॉटरी जीतने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, दे मे नेवर कम ट्रू। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। अगर आप प्रॉबिबिलिटी निकालते हो लॉटरी जीतने की तो इट इज़ वेरी 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 स्मॉल नंबर। ठीक है, इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतती, मैं एक बंगलो जो है वो परचेज कर लेती। जब हमने अपने मॉडल्स पढ़े थे, आई टोल्ड यू गाइस कि वुड का एग्जांपल, वुड का इस्तेमाल कहाँ होता है वो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में बताऊंगी। तो वही यही जगह है जहाँ पे हम वुड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन चीज़ों में हमें कोई श्योरिटी नहीं है और जिन चीज़ों के कम्प्लीट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत रेयर हैं, जो शायद कभी ट्रू ना हो। ठीक है, उन सेंटेंसेस को हम डालते हैं सेकेंड कंडीशनल की कैटेगरी में।
स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में यूज़ करती हूँ मैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इतना मेरा आ गया फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर. उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में मेरा आता है वुड प्लस इन्फिनिटिव. इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड बाय अ बंगलो. अगर मैं कभी लॉटरी जीतती तो मैं एक बंगलो खरीदती. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव गॉन विद आई वुड नॉट गो विद हिम. अब देखो मेरे तुम्हारे होने के चांसेस कितने हैं. मैं कभी तुम बन सकती हूँ? नहीं बन सकती. तो हम जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं. फाइवर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती या अगर मैं तुम होती, मतलब अगर मैं तुम होती तो मैं उसके साथ कभी नहीं जाती. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वर का इस्तेमाल किया पास्ट सिंपल में. आई के साथ वॉज जो है वो कभी नहीं लगता. हमने अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स में पढ़ा था इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज वर. सिंगुलर के साथ वर वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है. अगेन आई के साथ वॉज का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता. कीप दैट इन माइंड. जहाँ पे आई होगा वहाँ पे वर होगा. तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो विद हिम. यहाँ पे मैंने इन्फिनिटिव का यूज किया, अपने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया. तो जिनके कंडीशंस के होने की संभावना नहीं होती या जिनके ट्रू होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, वो कौन से सेकंड कंडीशनल होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है. इफ प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज पास्ट सिंपल एंड देन इन सेकंड सब देन इन सेकंड सब सॉरी सेंटेंस व्हाट डू वी यूज वुड प्लस इन्फिनिटिव. पहले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल. सेकंड सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड सॉरी प्रेजेंट सिंपल इन द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड विल इन द सेकंड. देन इन सेकंड कंडीशनल आई यूज पास्ट सिंपल. ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इन द सेकंड सेंटेंस व्हाट आई यूज वुड प्लस इन्फिनिटिव. वुड जो है यहाँ पे अपना मेन रोल प्ले करता है. यहाँ पे आप विल नहीं लगाओगे, शुड शैल कुछ नहीं लगाओगे. यू विल यूज ओनली एंड ओनली विल. चाहे वो आई है, वी है, शी है, ही है, ही हर, एनीथिंग Anything there is, we will use what? We will use would. अब देखते हैं अपना last conditional, which is third conditional. What does it say? It talks about the past. सबसे पहले तो ये sentences कहाँ use होते हैं, जहाँ पे हम अपने past की बात करते हैं. ठीक है, past conditional sentences used to describe situation that didn't happen and to imagine the result of that situation. ठीक है, ऐसे sentences पहले तो ऐसी situations लेनी है जो हुई नहीं. फिर सेकंड सेंटेंस में क्या करना है, उन्हीं सिचुएशन का हमने रिजल्ट इमेजिन करना है. जैसे कि अगर मैं पढ़ाई कर लेती तो मैं पास हो जाती. ठीक है, हुई नहीं, मैंने पढ़ाई की नहीं, मैं पास हुई नहीं, बट मैं बात कर रही हूँ अगर की. अगर 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 वो पढ़ाई कर लेता तो वो पास हो जाता. अगर अगर मैं जल्दी निकल जाती तो मैं ट्रेन तो मैं स्टेशन पर पहुंच जाती. तो हम पास सिचुएशंस की बात करते हैं. बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं जल्दी निकल जाती तो मैं स्टेशन पहुंच जाती, मतलब क्या है कि अब मेरी ट्रेन जो है वो छूट चुकी है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, कि अगर मैं जल्दी निकल गई होती तो मैं स्टेशन पहुंच जाती. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इफ प्लस पास्ट परफेक्ट. पढ़ा था हमने पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होता है, टू टॉक अबाउट द पास्ट ऑफ द पास्ट. पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट होता कि मैं जल्दी नहीं पहुंची. पास्ट परफेक्ट की बात कर रही हूँ, अगर मैं पहुंच जाती, अगर जो सिचुएशन है वो सारी रिवाइंड हो जाती अगर मैं जल्दी पहुंच जाती. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में इफ लगता है विद पास्ट परफेक्ट एंड देन इन सेकंड सेंटेंस वी यूज वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ माई वर्ब. फर्स्ट सेंटेंस में आएगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट आपको स्ट्रक्चर पता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और सेकंड सेंटेंस में आएगा वुड प्लस हैव प्लस अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम. अगर उसने पढ़ाई कर ली होती तो उसने एग्जाम भी पास कर लिया होता. पास्ट परफेक्ट बोला मैंने यूज करने को, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन सेकंड सेंटेंस आई हैव यूज्ड वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल व्हिच इज अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. इफ शी हैड गॉन टू द यूनिवर्सिटी शी वुड हैव बिकम अ टीचर. अगेन मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, विच डिड नॉट हैपन. वो यूनिवर्सिटी गई नहीं,
वो टीचर बनी नहीं, बट मैं क्या बात कर रही हूँ कि अगर वो यूनिवर्सिटी जाती तो वो अभी तक टीचर जो है वो बन गई होती। मैं ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ, पहले तो मैंने बात की कि जिस जो सिचुएशन कभी हुई नहीं, फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसी सिचुएशन का रिजल्ट इमेजिन कर रही हूँ कि अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती तो वो टीचर बन चुकी होती। तो फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पे हम अपनी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, सॉरी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन अगर ऐसा हुआ होता, इफ शी हैड गॉन, यहाँ पे मेरा पास्ट परफेक्ट लगेगा। आगे आगे जहाँ पे हमारा इमेजिनरी सेंटेंस है, जहाँ पे वो टीचर भी बन जाती है अगर वो टीचर अगर वो यूनिवर्सिटी चली जाती, वहाँ पे मैं अपना वुड यूज़ करूँगी, हैव यूज़ करूँगी। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम, बिकेम, बिकम, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म, ये इसकी पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम होती है बिकेम, बट थर्ड फॉर्म इज अगेन बिकम। तो थर्ड कंडीशनल में क्या बात हो रही है, उस सिचुएशन की बात हो रही है जो कभी हुई नहीं, और फिर मैं बात करती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि अगर ऐसा हुआ होता तो उसका रिजल्ट क्या होता। ठीक है, सेकेंड कंडीशनल में क्या है, सेकेंड कंडीशनल में उनकी बात करती हूँ जो प्रॉबेबली कभी भी ट्रू नहीं होंगे, जैसा कि मेरा लॉटरी जीतना, मेरा तुम्हारा होना, ऐसी बातें। फिर फर्स्ट कंडीशनल में जो शायद फ्यूचर में हो जाए, दैट इट माइट रेन। ठीक है, जहाँ पे रेन की बात हो रही हो, जहाँ पे मुझे श्योरिटी नहीं है कि जैसे मैंने आज अपना काम कंप्लीट करना है या नहीं, क्या आप आज लेक्चर पढ़ोगे या नहीं, ठीक है, उसके बाद क्या बारिश होगी या नहीं, ऐसे सेंटेंसेज में हम अपना फर्स्ट कंडीशनल यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल जिसका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली मुझे पता हो, जितने भी यूनिवर्स के फैक्ट्स हैं या जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे सेंटेंसेज जब कंडीशनल सेंटेंसेज में मिलकर आते हैं तो वहाँ पे हम आपका यूज़ करते हैं जीरो कंडीशनल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन रिलेट इट विद योर एग्जाम्पल्स इन द क्वेश्चन पेपर। इसलिए ध्यान से पढ़ो कंडीशनल सेंटेंसेज को, स्ट्रक्चर्स को ध्यान से याद करो, कोई डाउट हो तो आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, और कॉमेंट भी कर दिया करो ताकि हमको पता चल जाए आपने वीडियो देखा है, आप देख रहे हो और आप उससे कुछ सीख रहे हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर, एंड हैव अ नाइस डे।